है फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, ये चने की दाल की जो बड़ी है, ये तो फिर अदूड़ी भी आप सब बोलते होंगे कुछ भी इसको, जैसे कि चने की दाल की बड़ी ये बनते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन फ्रेंड्स, घर में अगर बनाते हैं तो मार्केट से सस्ते, चार गुना सस्ते दामों में आप इसको बना सकते हैं। पर ये बहुत जल्दी सबों को नहीं आता है बनाने, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिक है जिसको आप नहीं फॉलो करेंगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे, बेकार हो जाएंगे। देखिए, बनने के बाद भी मैं इसको जैसे पानी में डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए, ये मतलब जैसे हम लोग पकौड़े वगैरह छानते हैं उस तरह, ये जैसे मैं इसको पानी कटोरी में पानी ली हूँ, इसको जैसे डाल रही हूँ, ये ऊपर आ जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक है जिससे आप फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, कभी नहीं बिगड़ेंगे, ये गारंटी है। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं यहाँ चने की दाल को ली हूँ, इसको अच्छे से पीस ली ओवरनाइट। इसको आप 10 से 12 घंटे पानी में छोड़ दें ताकि अच्छे से ये भीग जाए, और जब इसको पीसें तो पूरा एकदम फाइन हो जाए, एकदम पतला, जितना पेस्ट हो सके इसको आप पीस लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाती हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सबसे, कि वीडियो आप सबको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस चैनल में नए हो, वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं इस तरह की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो ट्रिक बताने जा रही हूँ, देखिए, आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। तो इसके लिए आप चने की दाल लें, और चने की दाल को आप 10 से 12 घंटे पानी में छोड़ दें फ्रेंड्स। देखिए, मैं ओवरनाइट इसको छोड़ दी थी, उसके बाद मॉर्निंग में इसको अच्छे से छान ली हूँ, चार पांच पानी में इसको धो लें, क्योंकि इसमें जो केमिकल कलर वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद इसको देखिए मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लें अच्छे से, जितना फाइन हो सके। मैं यहाँ पानी नहीं डाल रही हूँ, पर एक ट्रिक है और इसको नए तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप सब ने ये कभी नहीं देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तरीके ये हैं कि मैं यहाँ मसाले नमक यहीं डाल रही हूँ। देखिए, मैं आधा चम्मच नमक ली हूँ, जैसे कि मैं इस जार में डाली हूँ इसी के अनुसार, और अभी तो सारी दाल को इसी में फेंटना ही है फ्रेंड्स। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, जितने आप दाल ली हूँ, मैंने 1 से 1.5 kg चने की दाल ली हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ 2 चम्मच आप नमक डाल सकते हैं, और ये जो मसाले मैं डाल रही हूँ इसको आप ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं जो जार में ली हूँ उसी के अनुसार डाल रही हूँ, तो उसी के अनुसार यहाँ मैंने 1/4 में जीरा और आधा चम्मच नमक इसमें डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स, इसको पकाते समय तो मसाले डालेंगे ही, तो थोड़ी सी मसाले यहाँ डाल देंगे, चटपटा भी बनेंगे और इसके अंदर तक मसाले और नमक जाएंगे तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएंगे। चलिए, उसके बाद मैं आधा कप पानी डाल के इसमें पीस ली हूँ। देखिए, एकदम पूरा फाइन तक पीसना है फ्रेंड्स, जितना पतला हो सके, पर पानी कम डालना है, चम्मच से 2-4 चम्मच के तक डालें और पीसें, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेंगे तो ये पिसाते भी नहीं है ठीक से। एकदम पूरा फाइन पीसना है, जितना पेस्ट हो सके, थोड़ा सा भी दानादार नहीं रहे, दाना दाना नहीं रहना चाहिए, एकदम पूरे आटे की तरह पूरा फाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं पीस ली हूँ, और देखिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना, इतना हार्ड होना चाहिए कि जैसे इसको आप हाथ से जैसे पकौड़े के देते हो कढ़ाई में, उस तरह होना चाहिए, हाथ से अपने से गिरना नहीं चाहिए, उस तरीके हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ, एक बर्तन में इसको निकाल ले रही हूँ, और सारे को इस तरीके से ही मैं पीस ली हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ सारे के पीसने के बाद एक अच्छा प्रोसेस आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। ये ऐसा प्रोसेस है जिससे आप पीस के सारे को तैयार किए, एक बर्तन में रखें, बड़े बर्तन में, और इसको जैसे कि हम लोग क्रीम फेटी नहीं, उससे पहले आपको दिखा रही हूँ। एक बर्तन में आप पानी लें, कोई भी कटोरी या कोई भी बर्तन में साफ पानी लें, और उस पानी में आप इसको इस बैटर को डालें, और डालने के बाद जैसे मैं इस पानी में इसको डाल रही हूँ, तो ये देखिए अंदर जा रहा है, ये जैसे कि मैं इसको डाली, ये पकौड़े की तरह ऊपर आना चाहिए फूल के, तो ये ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। जैसे मैं इसको डाली, देखिए घुल भी गया है और ये ऊपर भी नहीं आया, बैठे रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं बना हुआ है, इसको अभी आप नहीं बना सकते हैं, इसको इसमें और मेहनत है थोड़ी, मतलब 10 से 15 मिनट इसको इसे हाथ से फेंटना है। और जैसे इसको फेंटते हैं इसे हाथ से, तो ये देखिए बर्तन अभी नहीं छोड़ रहे हैं, बर्तन खुद छोड़ने नहीं, या कोई तेल नहीं, किसी तरह का ऑयल इसमें अभी नहीं डाले हैं, और डालना भी नहीं है, ये आराम से इसी तरह फूल जाएंगे। मैं ऐसे करके 10 से 15 मिनट इसको फेंटें, और बीच में आप एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, फिर से इसको एक बर्तन में पानी लें,
और पानी में फिर से इसको डालें। तो डालना देखिए, एक बूंद जैसे डालते हैं हम लोग उस तरह दो उंगली से इसको डालना है। तो ये देखिए मतलब बंद हो गए हैं, पर अभी ये फूल ऊपर नहीं आए, बीच में ही अटक गए, फिर से नीचे जाके भूल गए। तो ये मतलब अभी तक ये परफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको फिर मैं 5 से 7 मिनट फिर इसी तरह ही फेंटी हूँ, हाथ से ही इसको एक ही साइड से घुमाते रहना है। तो ये मतलब 15 मिनट से कम ही लगा और ये देखिए तैयार हो गया है। और आपको दिखेंगे बीच बीच में, देखिए एकदम पूरा एयर इसमें भर गए हैं, बबल्स आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको पानी में डाल के दिखाती हूँ। जैसे इसको डाली देखिए ये ऊपर आ गए एकदम पूरा। इसको अब दिखा रही हूँ कि इसको जो मैं चम्मच से भी, हाथ से भी इसको उठा के आप दिखा सकते हैं। तो मैं अभी इसको चम्मच से उठा के आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको चम्मच से उठाऊँगी तो उसी तरह उठेंगे, ये बिखरेंगे नहीं। तो और एक देखिए इसमें डाल रही हूँ, और एक देखिए जैसे आप इसको डालें ऐसे, ये देखिए ऊपर आ गए। और चलिए इसको जैसे मैं डाली वैसे ही है, देखिए मैं चम्मच से उठाई थी ये उठ गए हैं, मतलब ये परफेक्ट बन गए हैं। तो अब ये बड़ी तैयार है, अब इसको धूप में देने के लिए। तो वहाँ भी एक प्रोसेस है, देखिए अब छोटे छोटे इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। ये सारे आप फॉलो करेंगे तो कोई भी किसी तरह के पहली बार में इसको आप बना सकते हैं, कभी ना बिगड़ेंगे ना हार्ड रहेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं बन तो जाते हैं लेकिन आप जब बनाओगे तो हार्ड रह जाते हैं, वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते। उबालते समय सब्ज़ी को आप जब बनाओगे तो ये हार्ड रह जाएंगे। अब सीटी भी लगा कुकर में फिर भी ये अच्छे से नहीं बनते हैं। तो क्या है वह तरीका, ये कि आप इसको जब भी पानी में चेक नहीं किए, 2-4 मिनट ऐसे हाथ से आप चला लिए और सुखा दिए उसमें, और आप सोच रहे हैं कि सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी, तो नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे ट्रिक है जिसके आप परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको धूप में देते हैं। पहले साफ कपड़े को बिछा लें और उसके ऊपर से देखिए ये धूप में ही बनाएं, और ये मॉर्निंग में बनाएं ताकि ये दिन भर धूप में अच्छे से सूख जाए, नहीं तो ये फिर चिपक जाएंगे। ये तो फिर ये आप इसको हाथ से ऊपर से भी दबा दोगे ये अच्छे से बबल्स के अंदर एयर नहीं रहेंगे तो यार आपके बड़ी अच्छे से नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे बनाते सब्ज़ी बनाते समय। ऐसे करके आप हाथ से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, या तो फिर आप दूध वाले पैकेट जो होते हैं उसके अंदर डाल के ऐसे उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको हाथ से ही बना के दिखा रही हूँ, और हाथ से लें। और मैं यहाँ एक कटोरी में पानी भी ली हूँ, क्योंकि पानी अगर कभी हवा चलती है तो हाथ आपका सूख जाए या हाथ में चिपकने लगते हैं, उसमें आप थोड़ी सी हाथ को पानी में धो लें। तो फ्रेंड्स आज उतना धूप है लेकिन हवा नहीं है, हाथ नहीं सूख रहे हैं। बीच बीच में इसको मैं फेंट के ही, क्योंकि धूप है, धूप में ऊपर ऊपर जो है कि ड्राई हो जाते हैं। आप इसको बीच में फेंट भी लें और फेंटते हुए फिर से इसको बना डालें धूप में। और देखिए ऐसे करके मैं सारी को ऐसे डाल रही हूँ, आपको देखिए बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं भी आता है तो आप किसी पैकेट की मदद से, नमक वाले या तो दूध वाले पैकेट से आप उसको ऐसे बना सकते हैं। मैं यहाँ 2 से 3 उंगली इसको डालें और लास्ट में ले जाके उसको मतलब ज़मीन तक आप इसको मत ले जाए, थोड़ी सी ऊपर से इसको गिराएं ताकि एक खुद ही गोल हो जाएंगे। और अगर ज़मीन में आप ले जाके सोचते हैं इसको बैठा दें उस तरह करें तो ये नहीं बनेंगे। फिर ऐसे करके मैं सब सारे को बना ली हूँ और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 5-7 मिनट में ये सारे देखिए मैं इसको धूप में फैला दी हूँ। और थोड़ी सी बीच में गैप रह भी रखें ताकि ये सूखने में जल्दी सूख जाएँ और धूप लगने में मदद हो, और ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं। और देखिए लगभग दिन भर में ये तो फिर एक दिन 2 रोज़ इसको धूप में और छोड़ दें, कपड़े से निकाल लें। मैं कपड़े से उसको निकाल ली हूँ, निकालने के बाद इसको 2 रोज़ और धूप लगा दी, और इसको आप साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बीच में एक दो बार आप धूप लगा दें कभी। तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार है सब्ज़ी बनने के लिए। तो इसका सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसके सामने जैसे कि आप इसको फीस जैसे बनाते हैं उस तरीके से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं एकदम मछली की तरह। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ, ज़रूर आप सब देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप सब लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, तब मैं इसका सब्ज़ी भी बना के बताऊँगी, आप सब कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार है, इसके चने की दाल की बनते हैं, मूंग की दाल के, उड़द की दाल के, सबके छोटे छोटे ट्रिक है जिसको अलग अलग तरीके से आप बनाते हैं। आज की जो है देखिए चटपटा और मसालेदार बड़ी बन के तैयार है एकदम इस सब्ज़ी के लिए। फ्रेंड्स आप इसको स्टोर कर ले साल भर, इसको नैनवे की सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। मैंने एक डब्बे में डाल के इसको रख दी हूँ,
इसको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।